फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम खोए की कुल्फी बनाएंगे। गर्मियों में जो सभी को बहुत पसंद आती है, जैसे ही हम मार्केट से लेके आते हैं, उससे भी बढ़िया कुल्फी हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल के और बिना किसी मिलावट के। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। खोया कुल्फी बनाने के लिए हमने आधा किलो दूध लिया है, जो फुल क्रीम दूध है। 50 ग्राम हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, और जो अमूल का कंडेंस मिल्क है, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम खोया, 50 ग्राम चीनी और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और कुछ पिस्तास लिए हैं गार्निश के लिए। आइए सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रखेंगे। गैस ऑन कर दिया है, दूध डाल देंगे और दूध को हम तब तक उबालेंगे कि जब तक दूध हमारा आधा नहीं रह जाएगा। गैस का फ्लेम अभी हम तेज पे करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरीके से हम इसे साइडों पे भी इसे ऐसे मारते जाएंगे। जो मलाई साइड पे जम जाएगी, उसे भी हम साथ की साथ निकालते जाएंगे और तले के नीचे तक इस तरीके से हम जाके हलाएंगे। अगर ताकि तले के नीचे नहीं दूध लगना चाहिए, और इसे बार बार चलाएंगे और गैस का फ्लेम हमने अब मीडियम पे कर देना है। दूध हमारा देखिए आधा रह गया है, और जो साइड पे इस तरीके से मलाई जम गई है, उसे भी हम इस तरीके से उतार लेंगे और सारी मलाई को हम पैन में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसके अंदर डालने के खोया और खोए को हम अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। खोया हमारा अच्छे से घुल गया है। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 50 ग्राम चीनी ली है, और साथ में ही हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे, ये भी 50 ग्राम डाल देंगे। और चीनी को हम घुलने तक घोल लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। इलायची पाउडर डाल देंगे, एक बार इसे हला देंगे अच्छे से। गैस हम बंद कर देंगे और इसे हम मिक्सर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। मिक्सर हमारा देखिए ठंडा हो गया है, और अब हम इसे जमने के लिए रख देंगे। कुल्फी जमाने के लिए मैंने ये मोल्ड ले लिया है, जो मार्केट में आसानी से किसी भी क्रॉकरी प्लास्टिक की शॉप पे मिल जाता है, और अब हम इसे इस तरीके से भर देंगे। सारे मोल्ड भर देंगे हम इसी तरीके से। भरने के बाद इस तरीके से इसे ऊपर से बंद कर देंगे और 7 से 8 घंटे के लिए हम इसे जमने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। देखिए 7 से 8 घंटे हो गए हैं और कुल्फी हमारी जम गई है। हमने इसे 5-7 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही बाहर रख देंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे धीरे धीरे करके निकालना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से हिला सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये नहीं निकल रही है, तो आप इसे थोड़ा सा पानी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए कुल्फी हमारी जम के तैयार हो गई है, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर पिस्ता डाल के इसे गार्निश कर देंगे। बाकी की कुल्फी भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। खोए वाली कुल्फी हमारी तैयार है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कुल्फी बन के तैयार हुई है। आप इसे उसी वक्त निकालें जब आपने इसे खाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।